मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी अब मस्त हूँ। मस्त मॉर्निंग अभी स्टार्ट हो चुकी है भाई, कामाख्या रेलवे स्टेशन से। वैसे तो हमारे टिकलू भाई आज यहाँ पर आने वाले थे हमसे मिलने लिए, क्योंकि उन्हें कुछ सामान वापस देना था। बेसिकली उनसे सामान लिया था और इवन जीतू भाई से कुछ सामान लिया था जो यहाँ हमें कामाख्या में छोड़ना था, पर अभी तक वो आता पता ही नहीं है भाई। पता नहीं क्या हुआ रात को, ज़्यादा मतलब सॉरी सच्चाई नहीं बोली थी, रात को ज्यादा सो गए वो, अभी सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, फोन ही नहीं उठा रहे हैं भाई, सीट खराब हो चुका है। वैसे जीतू बाजी ने फोन तो उठा लिया है, लेकिन जीतू बाजी बैठे हरियाणा, तो यहाँ सामान छोड़ना है, नहीं तो हरियाणा जा रहे होते तो हरियाणा छोड़ देते। अब समझ में नहीं आ रहा करें क्या। वैसे कोई जुगाड़ होनी चाहिए, जैसे पोर्टर सिस्टम होता है ना, वैसे यहाँ पे भी कोई पोर्टर सिस्टम होना चाहिए जिससे यहाँ से सीधा दिगंता के घर तक पहुँचा दें। बेचारा सोते सोते ही ले ले, पर कोई भरोसा नहीं है। पोर्टर सिस्टम वाला पहुँच भी गया तो लेंगे कि नहीं, फिर भी ना उठे तो। चलो कोई नहीं भाई, मेरी तो यहाँ से ट्रेन आगे की भी बुकड है, मतलब ब्रह्मपुत्र। लेकिन आज हम एक सिंगल टिकट में एसी में ट्रैवल करने वाले हैं। ये चक्कर क्या है, एक ही टिकट में क्यों ट्रैवल कर रहे हैं हम इतने दिनों से लगातार? कुछ तो बता, जब तू जाता है तो एक ही टिकट लेके आता है। नहीं, अभी अपनी लूंगा ना जनरल की। एक टिकट जनरल की हमेशा होती है हमारे साथ, दोनों टिकट नहीं लेते हैं, एक टिकट ही लेते हैं। पता नहीं क्या चक्कर है भाई, ये जितनी भी टिकटें बुक होती है ना, ज्यादातर टिकटें यही बुक कराता है और एक ही करता है, ऐसा क्यों? पर वो एक ही खाली जाती है ना। समझ में नहीं आता भाई मुझे सच्ची। बाय द वे हम आराम से सोते हुए हैं, बाय द वे दीमापुर से हम कामाख्या तक आराम तक सोते हैं, क्योंकि सीटें खाली थी बिल्कुल ट्रेन के अंदर। और मैंने वैसे एक टिकट बुक करी थी और मोहित भाई की टिकट बुक नहीं भी बुक थी ना, तब भी सीट मिल गई थी, आराम से सोते हुए बिना किसी दिक्कत के। चलते रेलवे स्टेशन से बाहर। और मैं आप लोगों को बता दूं, इस वक्त ना गुवाहाटी के अंदर इंटरनेट बंद है, इसी वजह से मेरी वीडियो पब्लिश नहीं हो रही है। अब पता नहीं कितनी देर में पब्लिश होगी, होगी कि नहीं होगी, पता चले शायद लेट आए, देखते हैं भाई क्या होता है। बाकी अभी ना 2 बजे तक है अपनी दूसरी ट्रेन और अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं, अभी टाइम काफ़ी है। बाहर चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं और फिर वापस आ जाएंगे अंदर। सो भाई यहाँ पे हमने ऑर्डर कर लिए पूड़ी आलू मसाले, आराम से बैठ के दोनों भाई खाएंगे। और दिगंता भाई का अभी तक आता पता नहीं है, वो आएंगे कि नहीं आएंगे। बाकी मैं सारा सामान ना सोच रहा हूँ गुरुद्वारा साहब है कामाख्या रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास, कामाख्या गुरुद्वारा साहब, तो वहीं पे छोड़ दूंगा मैं सारा सामान वामान। बाकी अगर वो आएंगे तो वहाँ से सामान वामान ले लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। बाकी नाश्ता वाश्ता करते हैं और 2 बजे तक ट्रेन है, कोई टेंशन नहीं है, फिर आराम से चढ़ेंगे ट्रेन के अंदर। सो दोपहर के 12 बज चुके हैं और अभी तक टिकलू भाई सोफे नहीं उठे हैं, तो हमने भाई जीतू भाई से बोल के ना गुरुद्वारे में ही सामान रख दिया है, पास में ही है। और बाकी नहा धो के तैयार होके वापस आ गया भाई, रेलवे स्टेशन चढ़ते हैं भाई। मेरे पास तो मेरी टिकट है, लेकिन इनको टिकट लेनी है। मैं भी लूंगा जनरल की। क्यों टिकट क्यों नहीं लेते हो भाई? नहीं जनरल की लूंगा, विदेश में आया नहीं, आए भी तुम वहां से ऐसे ही? नहीं वहां से मेरी थी भाई टिकट। अच्छा वहां से तेरी थी? सही चीज है यार, जीतो जी लिखा था, मेरी कंफर्म नहीं थी मोहित के नाम से, आपकी तो वेटिंग थी। अच्छा आगरा दिल्ली से, वो भी तो तूने ही करवा के आया था एक ही टिकट। पर ये चक्कर क्या है, तू जब भी जाता है एक ही टिकट क्यों लेके आता है? खत्म हो जाती है ना। जनरल की कल रात खत्म हो गई थी। जनरल की तो दे ही नहीं रहा था वो। बड़ा खतरनाक हाल है भाई, ये जाता है टिकट एक ही लेके आता है, दूसरी टिकट भी लेके आता है। और मैं भी जान पूछ के से भेजता हूँ, देख ले करके क्या आएगा भाई। बिना इंजन की ट्रेन देख लो भाई, आगे इंजन ही नहीं है और अपने आप चल रही है, मुझे लगता है पीछे साइड पे लगा दिया इंजन। ओहो ओह, लड़ाई होगी, लड़ाई होगी, लड़ाई। ओ ओहो, तो ये भी घुसना मोहित, आज तो एसी वाले हैं। आज हमें एसी अवेलेबल मिली है भाई, अब कोई टेंशन नहीं है, बस आराम से जाएंगे बिना किसी टेंशन के। आरपीएफ वाले घुस चुके हैं अंदर, ये खाली करवाएंगे या क्या करवाएंगे? चलो बाहर लिख लो, लिख लो बाहर। अरे वो जो होता नहीं है, जो फिजिकली चैलेंज होते हैं उनका ही कोच है, उसमें घुस गए हैं लोग। देखा जनरल है, इतनी मेहनत जनरल में करते शायद सीट मिल जाती। सही बात है। भाई पूरी ट्रेन क्रॉस होके सबसे आगे डब्बा मिलता है, हमें पता नहीं क्या है, इंजन से लगा हुआ है भाई, इंजन के पास ही खड़े रहते हैं और पूरा प्लेटफॉर्म क्रॉस करते करते आ गया है। फर्स्ट डब्बा ही है, उससे पहले तो लगेज लोड करने वाला है। चलो बढ़िया है, बसंती अपने साथ नहीं तो लोड करवा देते भाई। बोगी के अंदर जस्ट अभी घुसा हूँ मैं और हालत कुछ ऐसी है कि ऐसे लग रहा है अंदर से आग जला रखी है भाई, पसीने में सब वापस बाहर निकल आए भाई। काफी सारे अपने फौजी भाई वापस छुट्टी के लिए जा रहे हैं घर पे। दिवाली मनाने जा रहे हो? ओहो मैं भी जा रहा हूँ दिवाली मनाने, स्पेशल घर वालों को रखा छुट्टी हुई है, वहाँ जाके सरप्राइज दूंगा। चलो भाई
सो ये कुछ हाल है भाई तकियों का जो आज यूज करने वाले हैं। और मेकओवर कर दो, मेकओवर वो दिया ना सामान उसके ऊपर चढ़ाने के लिए, जैसे शादी में लड़की को मेकओवर करके भेजा जाता है ना शादी के लिए, मेकअप कर दो, वैसे ही मेकअप करा जा रहा है भाई। ये देखो देखो ऐसे कुछ, क्या हाल है भाई। ये अंदर की बात है। अंदर की बात है, अंदर ही रहने दो। सो भाई पूरा आधा घंटे बाद चली अपनी ट्रेन, पर कोई दिक्कत नहीं, घर तो पहुंचा ही देगी भाई। आहा, दिल खुश हो रहा है वैसे, धीमे धीमे घर के पास पहुंच रहे ना इसलिए। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, ये बादल की चादर, ये तारों के चल, मैं छुप जाऊं पल दो पल। आपको एक बात बता दूं भाई, नॉर्मली मैं जब एसी क्लास में घूमता था ना, तो नॉर्मली ज्यादातर ऐसा होता था हर कोई बिजी होता था, अपने काम में बिजी होता था। आज क्या है ना, एक तो सारे जेंट्स हैं और दूसरा प्लस पॉइंट ये हो रहा है कि आसाम के अंदर पूरा इंटरनेट बंद है, इसके वजह से सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, नहीं तो सब अपने मोबाइल में बिजी होते हैं, बात करना तो भूल ही चुके हैं। रियलिटी तो यही है भाई। बाय द वे मैंने एक चीज अच्छी कर दी, थंबनेल और वीडियो अपलोड कर दी थी, रेलवे स्टेशन पे ना नेटवर्क था रेलवे स्टेशन का खुद का, वो वाईफाई कनेक्ट करके ना आधे घंटे या एक घंटे तक चल रहा था, तो उसके थ्रू वीडियो अपलोड हुई और वहीं से वीडियो का थंबनेल भी इसीलिए लग गया बिना किसी दिक्कत के। अभी ट्रेन काफी स्पीड में चल रही है भाई, बाहर दिखाता हूँ आपको। ऐसा लग रहा है मेरे साथ साथ ट्रेन के ड्राइवर को भी जल्दी हो रही है घर जाना दिवाली मनाने। क्या मस्त वाला व्यू है, कुछ दिनों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ लेकिन जल्दी वापस आऊंगा। कुछ दिन क्या, सिर्फ थोड़े ही दिन, 4-5 दिन बस। पता नहीं आज अपनी ट्रेन को क्या हुआ है, ये चीज नोटिस करो, ये सारा डाइवर्जन हो चुका है भाई और ये सीधा न्यू बोगाई गांव पहुंच चुकी है। लगभग 3 बजे की चली और एक सिंगल स्टेशन नहीं आया, वैसे फर्क तो नहीं पड़ा, अंदर बैठ के काफी सारी बातें होती रही बहुत सारे भैयाओं से, तो बढ़िया चीजें जानकारियां मिली और बातें बातें करते करते टाइम गुजर गया पता नहीं चला, लेकिन रेलवे स्टेशन सच्ची नहीं आया भाई, पता नहीं क्या हुआ है और पूरा डाइवर्जन करके इसे एंड में पहुंचा दिया भाई। लगभग ये समझ लो 150 किलोमीटर तक रेलवे स्टेशन नहीं आया, पर टाइम बढ़ा दिया 150 किलोमीटर के लिए, क्योंकि ये 3 बजे के आसपास चली है और पहुंची है 6:30 बजे भाई, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। मे बी ये रूट पे ना जो पटरी है वो थोड़ी स्लो है, इस वजह से टाइम लगता भी हो ज्यादा। शुक्र है भाई कोई स्टेशन आया, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि खत्म ही हुई ट्रेन। भैया क्या क्या खाने में? आलू पराठा, राइस गर्म है, सब्जी ठंडी है बिल्कुल। वैसे मैं आपको एक प्रेफरेंस दूंगा, अगर आप लोग ट्रेन में जर्नी करो मेरे तरह, तो पेंट्री कार में चले जाना और गरम गरम खाना खाना, अपने सामने फ्रेश कुक करवाना और फ्रेश आइटम खाना, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी मिल जाता है भाई और काफ़ी बढ़िया भी रहता है। बाकी अगर आप ट्रेन पे अगर अपने बोगी में मंगाओगे ना खाना, थोड़ा ठंडा आएगा, इवन पता नहीं कब का रखा हुआ आएगा तो नहीं पता चलेगा, अगर आप पेंट्री कार में खाओगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा भाई। सो यहाँ देखो भाई कितनी वैरायटी में और नीट एंड क्लीन खाना मिल चुका है हमें पेंट्री कार का, नहीं तो आप देख ही रहे थे बाहर खुले में कैसा खाना था भाई, वहाँ भी खा सकते हैं लेकिन वो महंगा भी पड़ रहा था पर क्वालिटी भी डाउन थी, पर यहाँ क्वालिटी भी अच्छी है और सस्ता भी पड़ रहा है, इतना महंगा नहीं है। ये 150 रुपीज़ की प्लेट पड़ी है और आपको इतना सब कुछ मिल गया खाने के लिए, काफी बढ़िया। चलो भाई खाते हैं आराम से। भाई पेंट्री कार कम से कम ही समझ लो 5 या 6 डब्बे दूर था, पैदल पैदल गए, प्लेटफॉर्म कोई आया था तो उस पर उतर के पैदल पैदल चले गए और पैदल पैदल वापस आए। जब वापस आया ना तब ट्रेन के अंदर से आया तो हालत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि अंदर से क्रॉस करते करते आने में ज़्यादा दिक्कत आती है। भाई खाना काफ़ी बढ़िया मिल गया था, बढ़िया तरीके खा के आ चुके हैं, बाकी यहाँ पर लौट के आने बाद मस्त लूडो वूडो भी खेल लिया, अब सोने का टाइम है, थोड़ा बहुत सोते हैं आराम करते हैं और फिर सुबह मस्त उठेंगे और ये लंबी जर्नी होने वाली, कल शाम तक पहुँचेंगे तो कल ही असली सरप्राइज़ मिलेगा घर वालों के थ्रू। फिर सुबह फर्स्ट क्लास के मजे लेते हुए भाई हीटर के साथ मस्त गर्म पानी से नहाने वाले हैं, बढ़िया तरीके से शावर भी अपने पास है। आहा, ये फायदा होता है भाई अगर फर्स्ट क्लास के बगल में बोगी हो ना, तो फिर तो मजा ही मजा है, कोई टेंशन नहीं है, खुल के सुबह नहाओ और फ्रेश हो जाओ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है, होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए, मैं भी मस्त हूँ।
मस्ती मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है गर्मी से, बिहार से भाई खतरनाक मजा आ रहा है। पहले आपने देखा होगा मणिपुर में, देखो काफी ठंडा मौसम था, लेकिन यहाँ आते ही मौसम चेंज हो चुका, मजा चेंज हो चुका, और भाई घर जाने की खुशी अलग होती है भाई। नॉर्थ की दिवाली काफी ज्यादा स्पेशल होती है और घर वालों के साथ दिवाली मनाने में सबसे ज्यादा मजा आता है, तो इसी वजह से मैं भी अपने घर पहुंचने वाला हूँ आज शाम को, मतलब रात के 11:30 बजे मैं इसी वीडियो के अंदर घर पहुंच जाऊंगा भाई। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ घर वालों से मिलने के लिए, घर वालों को रिएक्शन देखने के लिए, उन लोगों को बहुत झूठ बना रखा मैंने। मेरे को कल रात में मम्मी का फोन भी आया, मैंने पहले उठाया, फिर मनीत का भी फोन आया मतलब मेरी वाइफ का, फिर मैंने उसका फोन भी उठाया, फिर धड़ाधड़ फोन बजते गए। अब मेरे को डर ये लग रहा था क्योंकि इंजन के जस्ट बगल वाला बोगी था अपना, बाय चांस इंजन ने हॉर्न मारा तो भाई वो गाड़ी के अंदर ट्रेन में उन्हें समझ में आ जाएगा मैं ट्रेन में हूँ, फिर वो मजा गिर गिरा रह जाएगा, इसलिए मैंने उन्हें पता चलने नहीं दिया। बाकी शाम तक देखते हैं क्या होता है, पर अभी ना घर वाले ज़्यादा लोग परेशान हो गए हैं, ना मैं उनका फ़ोन उठा रहा हूँ ना रिप्लाई दे रहा हूँ, वो सोच रहे हैं पता नहीं क्या हो गया, नाराज़ हो गया शायद, पर असलियत में ये है मैं उन्हें उल्लू बना रहा हूँ, उनके जब घर पहुँचूँगा तब उनका एक्सप्रेशन लेने के लिए। बाकी सुबह सुबह उठ के मस्त मैंने भाई साहब AC फर्स्ट क्लास में जाके नहा लिया, 3 टायर के पैसे देता हूँ फर्स्ट क्लास के मज़े ले लेता हूँ, बढ़िया है ना भाई, जब मौका है और उसी ट्रेन के अंदर हम गुजर रहे हैं फ़ायदा तो उठाना ही चाहिए, वैसे ही करता हूँ मैं भी और आप भी कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। नहाने में क्या जाता है, नहाना ज़रूरी है, सेहत के लिए भी अच्छा रहता है और फिर अलग से ताजगी भी आती है बढ़िया तरीके से। बाकी हम जा रहे हैं भाई जैसे कि आपको पता है पेंट्री कार में जाके ना खाना खाने का भी मज़ा अलग रहता है, पेंट्री कार में जाके बढ़िया तरीके से गर्म गर्म खाना खाएंगे फिर वापस जाएंगे अपने भोगी में, नहा धो के तो आ चुका हूँ। बाकी चलते चलते मैंने नोटिस किया सब लोग मुझे घूर के देख रहे हैं क्योंकि मैं उनके लिए अलग हूँ, फ़ोन उठा के वीडियो बनाते बनाते चलते हुए जा रहा हूँ। बाकी हमारा जो बोगी है ना भाई पेंट्री कार से काफ़ी ज़्यादा दूर है, ये समझ लो 6-7 बोगी, चलते चलते हालत ख़राब हो जाती है, अगर अंदर से क्रॉस करना पड़े तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, पर क्या कर सकते हैं, अगर पेंट्री कार में जाके खाने का लालच है तो इतना तो सहन करना ही पड़ेगा। ये देखो भाई पेंट्री कार का फायदा है, रोटी मिल चुकी है और रोटी मैं एक्स्ट्रा भी ले सकता हूँ, मस्त खाना पूरा मिला है, मिर्ची अलग से मिली है, मैंने प्याज अलग से मांग लिया, प्याज भी दे दिया, नॉर्मली प्याज देते नहीं है क्योंकि आप पेंट्री कार से जब ऑर्डर करते हो अपने सीट पे तो सिर्फ और सिर्फ जो नीचे वाला बॉक्स है बस वही देंगे और रोटी देंगे और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, एक चीज भी नहीं, बाकी अगर आप ऐसे बैठे हो तो आपको एक्स्ट्रा सामान मिल जाएगा आराम से भाई, बढ़िया है ना। तो खाना वाना हमने खा लिया, वापस जा रहे हैं अपने भोगी के लिए, और ये देख रहे हो ये AC 2 टायर है और मस्त यार इसमें पर्दे वर्दे लगे होते हैं, प्राइवेसी रहती है थोड़ी बहुत रहती है, ज़्यादा तो नहीं। हटना भैया इसके बाद इकोनॉमी क्लास आएगा उसके अंदर धज्जियां उड़ जाएंगी प्राइवेसी की, वो ऐसा लगेगा जैसे जनरल में ना सिर्फ एयर कंडीशनर कर दिया, ये फर्क है। और ये है भाई इकोनॉमिक क्लास जो आजकल नया स्टार्ट हुआ है, देखो पूरा ऐसा लगता है ना जनरल की फीलिंग आ रही हो इसमें से, पूरा हॉज पॉज, बिल्कुल छोटे छोटे सीटिंग, बहुत कम स्पेस, बढ़ाई तो सिर्फ 8 सीटें हैं लेकिन 8 सीटों से जगह कम कैसे हुई ये नहीं समझ में आया। सो ये इंडियन रेलवे का सबसे प्रीमियम बोगी फर्स्ट क्लास, इसी के बाद वाला अपना बोगी है तो इसे क्रॉस करके जाना पड़ता है। ये अपना 3 टायर है, ये थोड़ा ज्यादा स्पेसिस रहता है भाई जिस बोगी के अंदर हम रुके हुए हैं, थोड़ा कंफर्टेबल भी रहता है, इकोनॉमिक क्लास से ज्यादा बढ़िया रहता है भाई। हाँ जी रैपर रखे हैं बच्चा के, रैपर ये क्या काम आएगा, बांधने के लिए, हमारे वाले रबड़ काम नहीं आता है, काली तो भी काम आएगा। देखो वहाँ पे ना बीच में कुछ रखने की जगह भी नहीं बन पाती थी, जैसे इकोनॉमिक क्लास में हम जाते हैं, यहाँ हमने देखो सेटिंग बना ली है, स्लीपिंग बैग उल्टा रख दिया है, नीचे बैग रखा है और इसके ऊपर हम आराम से अब लूडो खेल सकते हैं अपना, ये देखो वाह तशरीफ बना के बकायदा, कहीं दिक्कत ना आए, क्या बात है भाई, ऐसे अपना सफर कट जाता है मस्त मस्त, अपने साथ अपने कंपनी वाले लोग होते ना फिर कोई टेंशन नहीं रहती, बाकी अगर कुछ ऐसे आ जाए जो सिर्फ मोबाइल में लग रहे हैं फिर दिक्कत ज्यादा है। नींद नहीं आता है
बड़ी देर बेईमानी के साथ गेम खेल रहे थे भाई। हरियाणा आंदोलन चल रहा था, हरियाणा ने बोला भाई अपना झंडा मोर्चा पूरा एक साथ रहे, हरियाणा सात मोर्चा ठीक है ना, तो साथ में हरियाणा एक हो गया था भाई। अभी मैंने टीम अप कर दिया बेसिकली, और इन्हें एक ही टीम में कर दिया, और मैं और भैया एक टीम में हो चुके हैं भाई। और वैसे भी अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, वैसे एक दूसरे की गोटियां नहीं मार रहे थे भाई, इतनी बेईमानी कर रहे थे। चलो कोई नहीं, अब वैसे भी नहीं मार पाओगे आपस में एक दूसरे की। गेम को हाफ में छोड़ के हम उतर के आए भाई स्टेशन से बाहर, यहाँ फ्रूट मिल रहे थे मस्त मस्त तो खाने के लिए। चलो भैया दो पत्ते लगा दो भैया, पेटीएम है ना, पेटीएम है ना, बस से भाई फ्रूट खाने में मिल जाए खाने के बाद, और क्या चाहिए, बस लास्ट ही घड़ी देखते हैं क्या होता है भाई। मेरी गुटी अपने भी चल दी। मुझे भी चलने दो भाई, ये टीम अप का नुकसान है भाई, अपने भी खेल रहे हैं भाई, अगर टीम अप करके भाई आपस में मार देते। देखिए आगे वाला लल्ली को भगाना पड़ेगा नहीं तो पीटा हो जाएगी। चले अंदर 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 ले लीजिए पहले। लल तुम गति कम करना है। सब इस वक्त टेंशन में है भाई कि क्या होगा। तो फर्स्ट हो जाएंगे दोनों। हाँ फर्स्ट हो गए, फर्स्ट नहीं दो दान मिलेगा, ये एक आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। और थोड़ा बोलो, देखते हैं क्या होता है भाई। बस बस जीत गया, मैं तो जीत गया, ये ठंडा लगने लगा। चलो चलो। अच्छा तुम्हारी गोटी से भी अब चल रहा है मेरा, क्या बात है। पांच मत कीजिए रे, पूरे सीरियस है। जीत गए फाइनली। अब देखो कहते आदि किसी चीज की अच्छी नहीं होती है। कल से मैं सबको कह रहा था पेंट्री कार से खाना खाओ, पेंट्री कार से खाना खाओ, खुद जाके बाहर ले लिया और निकल के आया कुछ ऐसा कि मुझे खुद पता ही था ऐसे ही होता बाहर से सामान लेने के बाद। क्या बोलूँ, सिर्फ पानी पानी डाल दिया और सिर्फ ऐसा टमाटो केचप डाल दिया। अरे भगवान ये तो सजा हो गई पीना। चलो कोई नहीं, अब बढ़िया वाला खाना थोड़ी देर में मिलने वाला है घर पहुँचते ही, तो थोड़ा बहुत दुख तब तक सहन कर लेते हैं। गोदी में क्या सामान उठाए मैंने, ये तो बिल्कुल खाली है। हम बोले ये भी तो कैसे कभी मिलता है। बाय बाय अंकल, बाय 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 बाय। वैसे सफर को स्टार्ट हुए सिर्फ अभी ये कह सकते हैं कि 30 आवर्स के आसपास हुए होंगे, लेकिन जनरली ऐसे लग रहा है जब अंकल को बाय बाय कह रहे थे ना कि बहुत ज्यादा समय हो गया, और बहुत टाइम से बातें कर रहे थे एक दूसरे के साथ, और एकदम से जब बाय बाय कर रहा ना तो बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसे कनेक्टेड हुए और अंकल के साथ काफी सारी बातें करी, मस्ती करी, मजाक किया, गेम्स खेले, और अब वो बाय बाय करके वो चले गए अपने घर की तरफ। वैसे नंबर तो मिल गया है, जब भी कभी उनकी पोस्टिंग के आसपास घूम रहे तो जरूर मिलेंगे वहां पे। थोड़ी बहुत दूरी पे ही अपना घर भी है, कानपुर पहुंच चुके हैं। गिनीति को फोन करता हूँ, गिनीति को बोलूंगा जैसे मैं घर पहुंचूंगा ना तो घर वालों से बोलना गेट खुलवाने के लिए, क्योंकि अगर मैं फोन करूंगा तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। मैं अंदर घर जाऊंगा ना तो फिर पूरा एक्सप्रेशन रिकॉर्ड करके वीडियो भी बना लूंगा तो ज्यादा सही रहेगा भाई। इसलिए गिनीति को कॉल करके बोलते हैं कि आप जागते रहना और बाकी सबको जगाते रहना, नहीं तो सो गए बाकी सब तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 12 बज चुके हैं कानपुर पहुंचते पहुंचते, और जब तक ये आगरा पहुंचेगी गाड़ी तो ये समझ लेना लगभग टाइम हो जाएगा 2 बजे के आसपास, हो सकता है आधे लोग सो भी गए हों। ठीक ठाक तू बता। मैं भी ठीक, मैं ये कह रहा था मैं घर जा रहा हूँ, मैंने सबको झूठ बोल रखा था कि मैं घर नहीं जाऊंगा। वेरी गुड, जा अच्छी बात है, सब ठीक रहेगा बेटा। और मैं अभी मतलब पहुँचने वाला हूँ, कानपुर पहुँच गया हूँ तो दो आज रात पहुँच जाएगा तू। हाँ 2 बजे के आसपास मैं पहुँच जाऊंगा, तो कॉल कर देना मम्मी को और मैं आपको कॉल कर दूंगा, तो गेट खोलेंगे ना तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगा एक्सप्रेशन देखने लिए। ठीक है ठीक है। ओ मनीत से 2 दिन बात नहीं हुई है,
वो सोच रही होगी पता नहीं क्यों नहीं बात कर रहा हूँ, अगर बात बात कर लेते ट्रेन में पता चल जाता, फिर पता चल जाता ना मैं ट्रेन में बात कर लेता तो इंजन की आवाज आवाज आती है। हाँ नेटवर्क चला जा रहा है ना बार बार ट्रेन में इस वजह से। कोई नहीं मैं घर पहुँचते ही कॉल करूंगा। ठीक है। तो भाई दोस्तों हम फाइनली आगरा पहुंच चुके हैं, आगरा तो नहीं टूंडला पहुंचे हैं। टूंडला से आगरा बिल्कुल पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। टूंडला ही जाती है ट्रेन ब्रह्मपुत्र, और फिर टूंडला से हमें आगे ऑटो मिल जाएगा आगरा जाने के लिए। सामान वामान उठाते हैं, बाकी सब सो चुके हैं मोहित भाई और बाकी सारे लोग भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट है, सुबह के 3 बजे पहुँच रही है। और अभी सामान वामान लेके सीधा उतरते हैं बाहर। बाकी मुझे नहीं पता घर में कोई जाग रहा हो कि नहीं, लगभग सारे ही सो रहे होंगे, पर देखते हैं थोड़ा बहुत इलाके जगा के देखेंगे उन्हें क्या शौक लगता है कि मैं आया हूँ कि नहीं। पूरा अंधेरा हो चुका है भाई सुबह के 3 बजे, कुछ भी नज़र नहीं आने वाला शायद आपको।